हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CP+DVR के अंदर मोशन डिटेक्शन की जो रिकॉर्डिंग है पहले हम लोग करते थे, DVR अपग्रेड हो चुका है तो यहाँ पे हम मोशन डिटेक्शन एरिया भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं CP+DVR के अंदर, और इसमें जो है सायरन भी अपलोड कर सकते हैं। तो DVR के अंदर सायरन किस तरह से अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा भी इसके बारे में आपको नॉलेज हो रही है तो लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने पर मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। CP+ के DVR के अंदर मोशन डिटेक्शन आपको किस तरह से ऑन करना है तो इस वीडियो के थ्रू मैं दिखाने वाला हूं, तो आप सिंपली स्किप मत कीजिए थोड़ा सा भी, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइट क्लिक करते ही यहां पे आपको मेन मेन्यू दिख रहा रहेगा, तो मेन मेन्यू में चले जाते हैं। मेन मेन्यू चले जाते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो अलार्म नेटवर्क इवेंट, तो हमें सिंपली यहाँ पर इवेंट में चले जाना है। इवेंट में चले जाते ही हमें यहाँ पर अलार्म इनपुट अलार्म आउटपुट यहाँ पे वीडियो डिटेक्शन दिख रहा रहेगा, सिंपली हमें वीडियो डिटेक्शन में चले जाना है। मोशन डिटेक्शन यहाँ पे आता है हमारा, तो यहाँ से ही हमें अनेबल करना है। कैमरा के ऊपर मोशन डिटेक्शन लगाना है, सिंपली फोर्थ नंबर कैमरा है तो फोर्थ नंबर को ऑन कर लेते हैं। तो सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में चले जाने के बाद में हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा रहेगा। जैसे ही कस्टमर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो मैं इस एरिया को जो है रख देता हूँ नोटिफिकेशन के लिए। तो सिंपली जो मेरा एरिया ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन जो है इस एरिया के अंदर जितना भी मोशन डिटेक्शन होगा वो मिल जाएगा। जो आपका माउस है, माउस ऊपर करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, माय मोशन डिटेक्शन रूल। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी आप हाई कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इसको हाई कर देता हूँ। ट्राई होल्ड को भी हाई कर देते हैं थोड़ा सा, तो सिंपली मैं हाई कर देता हूं, तो बैक चले जाते हैं। बैक चले जाने के बाद में यहां पे आपको शेड्यूल दिख रहा है, तो शेड्यूल में आप अपने हिसाब से मोशन डिटेक्शन को रख सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मुझे रात के 12 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक उतना ही नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं बाकी का हिस्सा जो है इसका रिमूव कर देता हूँ। तो बाकी का हिस्सा यहाँ पे रिमूव हो गया, तो यहाँ से सिंपली आपको ऑल दिया है, तो ऑल पर टिक मार्क करते ही यहाँ पे आपका जो है ऑल क्लियर हो जाएगा, जितना भी आप क्लियर करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सेटिंग दिया है, तो यहाँ से सेटिंग में चलने जाने के बाद में आप यहाँ पे पीरियड रख सकते हैं, यानी कि आपका जो मोशन डिटेक्शन 1 से 2 बजे तक है, तो यहाँ पर आप 1 से यहाँ पर 2 बजे तक रख सकते हैं, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो पीरियड वाइज होगा। तो यहाँ पे ऑल डेट ऑल डेज दिया है, तो यहाँ से सिंपली ऑल डेज को हम टिक मार करके ओके कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो है आपका जो सेटिंग है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, जैसे था वैसे कर दूंगा, तो यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओके करने के बाद में तो यहाँ पे शो मैसेज है, तो यहाँ पे जो शो मैसेज दिया हुआ है ये वाला मैसेज हमारे स्क्रीन के ऊपर शो होता है, जो भी कुछ भी आया है यहाँ पे, तो इसका नोटिफिकेशन इस टिक मार्क कर देते हैं। तो रिपोर्ट अलार्म को टिक मार्क कर देते हैं, मोबाइल में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंड ईमेल है, तो सेंड ईमेल पर भी हम टिक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे PTZ लिंक है, यहाँ पे टोर है, यहाँ पे बजर है, तो बजर को ऑन कर लेते हैं। बजर की आप आवाज़ सुन सकते हैं, इस तरह से बजर हो सकता है। सिंपली हम यहाँ से अलार्म टोन को चेक मार्क कर देते हैं, यहाँ पे अलार्म इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे किस तरह से अलार्म इंपोर्ट करना है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस यहाँ से सिंपली अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में चलिए देखते हैं जो हमने यहाँ पे जो मोशन डिटेक्शन लगाया है उसकी सेटिंग ठीक तरह से होती है या नहीं, अलार्म होता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं उस एरिया के अंदर।